हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग आए हैं वापस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 फ्रॉम क्लास 10 से एनसीईआरटी से। तो आज देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे क्या, दो तीन मेथड्स पढ़ लिए थे जिसको जो कि फैक्टराइजेशन में हमारे लिए हेल्पफुल थे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन के लिए। तो हम आज यूज करने वाले हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं स्प्लिट करके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे। सो एक एलएचएस, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो आरएचएस में क्या है, 0। तो हमने क्या लिया, एलएचएस, और इसको हम करते हैं अभी के लिए सॉल्व। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि मिडल टर्म जब स्प्लिट करते थे तो उससे पहले हमें क्या करना होता था, जो हमारा कांस्टेंट टर्म था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते थे। मींस अगर हम यहाँ पे 10 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा हमारा, 1 होगा। तो अगर 1 × 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10, राइट। तो हम इस 10 को कुछ इस तरीके से मिडल टर्म से कंपेयर करते हैं, हमें यहाँ पे इस 10 को इस तरह से ब्रेक करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे। तो 10 आए नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, बट सब्ट्रैक्ट करें तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3। तो जैसे कि मैं अगर 10 को ब्रेक कर दूं तो क्या मैं 5 और 2 में ब्रेक कर सकता हूं, 5 × 2 = 10 और 5 − 2 = 3। तो मैं यहां पे सिंपली क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 − 2 × x − 10, राइट। तो यहां पे क्या करने की जरूरत है हमें, एक्स स्क्वायर और माइनस 10। तो यहां पे ब्रैकेट ओपन अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस हो जाएगा 2x − 10। तो यहां पे शायद आपको कंफ्यूजन हुई, ये पॉजिटिव कैसे हो, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। गॉट दैट पॉइंट। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन टर्म्स की। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है, तो मैं क्या एक्स कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल। तो यहां पे हमारे पास बच रहा है एक्स माइनस 5, राइट। फिर अगर यहां पे अगर हम बात करते हैं यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे मैं कॉमन ले सकता हूं 2, और यहां पे बचता है एक्स माइनस 5, राइट। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर हो गए एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 5, और ये हमारा एलएचएस किसके इक्वल, आरएचएस के। तो सिंपली फर्स्टली हम एक वैल्यू को इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 एंड एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 मींस एक्स इक्वल्स टू 5। तो ये आपके इस क्वेश्चन के लिए रूट्स हो जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कुछ इसी तरह इसको भी करना है। तो यहां पे हमें फर्स्टली क्या करना है, एलएचएस पार्ट 2x² + x − 6। सिंपली अभी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना है, सेम वही प्रोसीजर, कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 2 × 6 विच इज 12, और इस वैल्यू को हमें कुछ इससे कंपेयर करना है, राइट। तो अब हमें 12 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर ऐसी हो जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, बट सब्ट्रैक्ट करने पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, इसके प्लेस पे मैंने बोला अगर मैं 4 और 3 की बात कर लूं तो 4 × 3 = 12 एंड 4 − 3 कितना होगा, 1। सो ये 2x² और प्लस एक्स के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 4 − 3 × x − 6। तो सिंपली यहां पे भी हम 2x² और ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो प्लस 4x − 3x − 6। अगेन क्या करेंगे, कॉमन, तो कॉमन लेने के लिए क्या होगा, 2 कॉमन यहां पे 2x, और यहां पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, x
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x ऑलरेडी कॉमन ले लिया, दैट्स मीन यहां पे क्या बचेगा 2, राइट। माइनस यहां पे हमें कॉमन क्या लेना है, माइनस कॉमन लेना है माइनस 3, और माइनस 3 जब कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, तो पॉजिटिव x ले लेंगे यहां पे, और ये भी हमारे पास ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, और ये पॉजिटिव 2 होगा, कोई नहीं, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x, माइनस 3x, माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 2, माइनस 6, तो सिंपली ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो हमारे दो फैक्टर्स हो गए कौन कौन से, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के, क्यों, क्योंकि LHS किसके इक्वल था, RHS के। अब हम सिंपली एक एक अपने फैक्टर को किसके इक्वल रख के देखेंगे, 0 के, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 3 साइड पॉजिटिव अपॉन में 2, एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2। तो आपके दूसरे क्वेश्चन के जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके दो रूट्स कौन कौन से हो गए, 3 बाई 2 कॉमा माइनस 2, और माइनस 2 एंड 5 किसके रूट्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आई होप ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बात करेंगे आगे, ट्रिक भी बताएंगे, बट सारे क्वेश्चन होने के बाद। सो थर्ड पार्ट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, एंड फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 8 इक्वल टू 0, इसका एक पार्ट और वो भी बताएंगे, बट पहले बात करते हैं थर्ड वन की। तो यहां पे आपको रूट 2 देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सोचना ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे वही करना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लीकेशन, और किसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे हम, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। तो सिंपली यहां पे हमें क्या करना है, अगर आप LHS लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, LHS LHS साइड पे हमारा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ LHS लिया। तो यहां पे अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मींस 5 रूट 2 मल्टीप्लाई विद रूट 2, तो ये और ये बेटे लाल क्या 5 इंटू 2 नहीं हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर ही है, ठीक। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आप 10 को कुछ फिर से कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि 7x आ जाए। तो मैंने बोला सिंपल सी चीज है, 5 माइनस हमने किया था तो 3 आया था, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो सिंपली यहां पे लिख लेते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2, इससे कंफ्यूज ना हो ताकि इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो रूट 2x स्क्वायर, और यहां पे अगर कॉमन टर्म क्या मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ x, तो यहां पे रूट 2x प्लस यहां पे 5, कोई कंफ्यूजन, प्लस ये वैल्यू अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे कॉमन आपको दिख नहीं रहा है बट बनाया जा सकता है, वो क्या 2 है। अगर मैं यहां पे कॉमन लेता हूं रूट 2 और अंदर भी रूट 2 लिखता हूं, तो रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2 एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और प्लस यहां पे हम रूट 2 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, सो 5। इसके साथ साथ आपने ध्यान से देखा कि हमारे पास अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हम यहां पे लिख सकते हैं, राइट, 2x रूट 2x प्लस 5, एंड सेकेंड हमारा x प्लस रूट 2, और ये इक्वल है LHS हमारा RHS के। सो सिंपली हमें क्या करना है, एक बार फर्स्ट वाले जो फर्स्ट हमारा क्या फैक्टर है उसको इक्वल करेंगे 0 के, रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, माइनस 5 अपॉन रूट 2,
और ये वैल्यू हम करते हैं x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, दैट मीन x इक्वल टू माइनस रूट टू. हमारे पास दो आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है. टू रूट्स आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे. तो सिंपली इसको भी इसी तरह करते हैं और यहां पे भी थोड़ा सा चेंज है. चेंज क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना है. सिंपल सी चीज है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सिंपली हमें क्या करना है, इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाय 8 इन होल इक्वेशन, या फिर लिख सकते हैं बोथ साइड, ठीक है. तो हमने बोला इस साइड अगर हमने किया, सो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई विद 8 एंड मल्टीप्लाई विद 8. यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा, सो 16x स्क्वायर 8, ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे 1x मींस माइनस 8x, राइट. अगेन यहां पे करते हैं तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, राइट, और दिस इज इक्वल टू 0. अब यहां पे हमें फिर से वही चीज, अब हम कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16 इनटू 1 वैल्यू हमारी आ जाएगी 16. अब हमें 16 को ब्रेक करना है और कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि क्या है वैल्यू, क्या है माइनस 8. तो मैंने बोला माइनस 4x एंड अगर ये x है तो माइनस 4x एंड माइनस 4x करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 16x एंड ऐड करने पे माइनस का 8x. 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगेन अब कॉमन लेना है हमें, 4x हमने कॉमन ले लिया, यहां पे 4x माइनस 1 सॉरी यहां पे अपन कॉमन ले रहे हैं माइनस 4, माइनस 1 कॉमन लेते हैं और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव 4x एंड नेगेटिव 1 इक्वल्स टू 0. नेगेटिव 4x से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 4x एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1. तो सिंपली क्या करेंगे, अब हम सेम चीज 4x माइनस 1 एक साथ लिख लेंगे, 4x माइनस 1 एक साथ लिख लेंगे, बट दोनों ही सेम है और सो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4. सिमिलरली 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, अगेन x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सॉरी पॉजिटिव 1 अपॉन 4. सो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 कॉमा 1 अपॉन, राइट. तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, बात करेंगे हम फिफ्थ वन की, चले देखते हैं. ओके, तो ये लास्ट पार्ट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो देखते हैं इसको. इसको भी सेम मेथड से करेंगे, हमारा कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इंटू 1 करेंगे अगर, सो हमारी वैल्यू होगी 100. इसको ब्रेक करते हैं कुछ इस तरह से कि मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाए, मीन्स माइनस 20 एड करने में और मल्टीप्लाई करने पे 100. तो मैंने बोला माइनस 10 और माइनस 10 ऐड करने पे माइनस 20 और मल्टीप्लाई करने पे 100. तो सिंपली 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे और भी कुछ नहीं करना है, सिंपली 10x कॉमन ले लिया हमने और इन ब्रैकेट आपको कितना बचेगा यहां पे 10x माइनस 1, यहां पे माइनस 1 कॉमन लेके 10x माइनस 1, this is equals to 0. Simply हमारे पास दो values आ गई, 10x और sorry 10x minus 1 and दूसरी भी क्या है 10x minus 1 equals to 0. So first value को हम करते हैं equals to 0, हमारी value जो आनी है वो आएगी x equals to 1 upon 10 और 10x minus 1 same thing है, तो सेम आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 10. तो ये दो रूट्स हो गए हमारे इस इक्वेशन के लिए. अब बात करते हैं कुछ मजेदार टिप्स के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए.
देखो ओके। सो हम बात करने वाले हैं ट्रिक की। ट्रिक एक्चुअली नहीं है बट एक बेसिक सी चीज है जो हम थोड़ा शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। तो ये जैसे कि हमने लिखा क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो मैंने अभी वीडियोस में किए हैं। बट अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट उसके बाद मैंने कुछ सिंबल्स प्लस माइनस करके खेल खेला है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक ऐसे पार्टीशन दे दिया, ये जो सिंबल है ये इन सिंबल्स को डिनोट करेंगे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो अगर ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ये क्या है, रूट्स की वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वैल्यूज, ये जो सिंबल्स हैं आपके ax square bx के बीच में और bx plus c के बीच में, ये अगर नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आपका जो रूट आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये फर्स्ट पॉजिटिव, ये सी के सी जो कॉन्स्टेंट टर्म है उस पर नेगेटिव का सिंबल होता है तो हमारे जो रूट्स होंगे नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। एंड लास्ट वन में अगर फर्स्ट नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। इससे आप एकदम माइंड में लगा के रखिए, इसका यूज कहां करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक। तो अब हमें ये करना है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट से करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना हमें, पहले वाला ही है सब। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट और कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गई हमारे पास वैल्यू 42। अगेन हमें कुछ इसको इस तरह से ब्रेक करना है, दो नंबर्स ऐसी लानी है जिसका प्रोडक्ट क्या हो, इस मिडिल टर्म के प्रोडक्ट 42 हो और एडिशन करने पे, सॉरी सबट्रैक्शन करने पे कितना आ जाए 1। तो मैंने बोला 7 और 6, ठीक। तो मैंने यहां पे 7 और 6 लिख दिया, बड़ी डिजिट को आगे छोटी डिजिट को पीछे। बट यहाँ पे आप सिंपल देखेंगे कैसे है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब ये वाली कंडीशन। तो हमारा जो आंसर होगा रूट्स, पहला रूट्स क्या होगा पॉजिटिव, दूसरे रूट पे क्या होगा नेगेटिव, यही दोनों इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। नहीं ये नहीं होंगे, क्या होंगे, ये तब होते जब यहाँ पे 2 नहीं होता, मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होता। अभी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उससे हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 7/2 एंड दिस इज -3। तो ये हमारे रूट्स होंगे इस इक्वेशन के लिए। तो आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं, लाइक आपके पास एमसीक्यू है, ऑप्शन में देना है आपको, क्विक आंसर करना है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम में यूज करने वाली चीजें ये नहीं है, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आपका आंसर है तो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये अगर 2 नहीं होता, मीन्स अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो कितना हो जब 1 होता है तब। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ठीक। हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर -3x -10=0। तो 10 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 10 हो गया, इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने में हमने क्या लाना है 3, ठीक है। ब्रेक करके मतलब उनका डिफरेंस कितना हो 3 हो, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो मैंने बोला 5 और 2, तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, अगेन सेम कंडीशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कॉमन लगा देंगे। बट यहां पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो यहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, +5, -√2, जो कि ऑलरेडी यहां पे भी है, क्लियर। तो अब थोड़ा सा मैं इससे इस चीज को रिलेट करूंगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव किसमें है, ये है पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो यहां पे जो रूट आ रहे हैं, एक सेकंड, पॉजिटिव पॉजिटिव पे रूट आ रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव, हाँ। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव आ गए, ठीक है, कंफर्म। अब बात करते हैं नेगेटिव नेगेटिव कुछ है ऐसा जहां पे नेगेटिव, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नेगेटिव नेगेटिव आंसर आ रहा, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। फिर बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव की, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पे -2 है और यहां पे पॉजिटिव में वैल्यू है, माइनस एंड पॉजिटिव, फिर लास्ट में माइनस और पॉजिटिव, ठीक। यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव। तो आप यहां से इस चीज को रिलेट करके भी समझ सकते हैं ये टेबल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करेंगे। जॉन, पहली चीज तो ये कि उसमें हमारा जो एक्सरसाइज में वो ये लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 1 सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन 2 है, 2 पार्ट्स हैं। तो पहला क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स
they had to start with. ठीक है, तो जॉन और जीवंती जो है ना, जीवंती, इनके पास कुछ मार्बल्स थे जिनका सम अगर बात करें हम, है ना, टोटल्स किया जाए तो 45 मार्बल्स होते थे, और उन दोनों के 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाते हैं, किसी मेले में बिछड़ जाते हैं सपोज करो, और तब उनके पास जो मार्बल्स बचते हैं उनका प्रोडक्ट करने पे कितना हमें मिलेगा, 124. अगर जो मार्बल्स उनके पास लेफ्ट हो रहे हैं उस मार्बल्स के नंबर्स को, जितने मार्बल्स उनके पास हैं जॉन के पास एंड जीवंती के पास, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है 124. तो हमें बताने हैं कि स्टार्टिंग में इंडिविजुअल उनके पास कितने कितने मार्बल्स थे. तो चलो इस मार्बल्स की कहानी को हम समझते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को सेकेंड के. सो लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स. ठीक है, तो हमने लेट कर लिया. हमने क्या कहा, कहानी हमारी स्टार्ट होगी लेट करने से ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए. तो अब यहां पे हम वाई के लिए नहीं लेट करेंगे, हमारे पास दूसरा वाई लेट कर ले, एक्स प्लस वाई का सम हमारे पास 45, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इसमें वेरिएबल एक ही रखना है. तो हम ये चीज याद रखेंगे कि हमें लेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल लेट करना है. अब क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देन. अगर जॉन के पास जो मार्बल्स है उसका नंबर क्या है, एक्स है, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती, ठीक है, एंड इक्वल्स टू टोटल दोनों के पास 45, सो उसमें से मैं जॉन के निकाल दूं, किसके बचेंगे, सॉरी एक्स. तो ये हो गए हमारे, जीवंती के पास जो मार्बल्स है वो कितने थे, 45 माइनस एक्स. तो अब कह रहे हैं लॉस्ट होते हैं किसके, भाई जॉन के भी लॉस्ट होंगे और इनके भी लॉस्ट होंगे, तो चलो मिलकर इनके मार्बल्स को गुम किया जाए. द नंबर ऑफ मार्बल विथ जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स. तो लॉस्ट करने पे 5 मार्बल लॉस्ट करने का मतलब x माइनस 5. क्लियर. सिमिलरली द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये कहानी इसलिए लिखते हैं ताकि आप एग्जाम में कुछ ऐसा ही लिख सकें, आपको हैबिट रहे कि हमें क्वेश्चन का आंसर करना कैसे है. देखो बातों बातों में जॉन नहीं जीवंती होगा, ठीक है, तो ये कैपिटल जी होगा पहली चीज. तो क्या हो रहा है भाई, जीवंती राइट. तो जीवंती के पास कब, व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स. भाई दोनों मेले में घूमने गए और दोनों ने क्या किया, अपने 5-5 मार्बल्स गुमा दिए. अब इनको पढ़ने वाली है घर पे डांट, तो डांट पड़ेगी. तो इनके पास अब कितने बचते हैं, जब मम्मी ने पूछा कितने मार्बल्स बचे आपके पास, तो इन्होंने बोला मैं 45 माइनस एक्स ये लेके गई थी, अब मेरे पास है ये. ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो कहा ये गया है कि जो ये नंबर आया है और जो ये नंबर आई है जीवंती की, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x माइनस 5, वेरी गुड, एंड सेकंड क्या है 45. अच्छा इसको ध्यान से देखोगे, ये माइनस होगी क्या हो जाएगा 40, 40 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 124, बिल्कुल सही. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 40x, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 200 एंड प्लस 5x,
इक्वल्स टू 124। तो अभी आगे फटाफट बताइए हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चलते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव का 40x, ये वैल्यू सॉरी पॉजिटिव का 40 एंड 5x भी है तो 45x, और माइनस ये है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू जीरो, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। तो इसके आगे हमें क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव है ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी प्लस 45x और ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 324 इक्वल टू जीरो। तो अभी हमारे पास एक कैसी इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसे कुछ नहीं करना है एज इट इज, जैसे अभी तक हम सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आए हैं, बस हमें वही करना है, फैक्टराइज कर देना है बाय यूजिंग मिडल स्प्लिटिंग टर्म। तो कहानी यहां से इसको ब्रेक करना है कुछ ऐसी नंबर्स के साथ। तो मैंने बोला अगर 324 है तो उसका सॉरी 45 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 324। सो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस 9 एंड 36 माइनस का, एक सेकेंड ठीक। और एक चीज कर सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा क्या ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव 324 इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो अभी कुछ भी नहीं करना है हमारे पास, हम ये इक्वेशन लें या ये लें, हमारे जो ब्रेकिंग टर्म कौन कौन से है माइनस 9 और माइनस 35। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x राइट एंड माइनस सॉरी पॉजिटिव 324 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे क्या करना है, कॉमन लेंगे और कॉमन हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें कॉमन भाई क्या मिलेगा एक्स, और जब एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहां पे इस टर्म पे क्या बचेगा एक्स माइनस 9, देन आफ्टर फिर से हम क्या करते हैं माइनस 36 कॉमन लेते हैं, सो अब हमारे पास क्या बचेगा पॉजिटिव एक्स, एंड यहां पे ध्यान से देखेंगे पॉजिटिव है सो मैं नेगेटिव 9 यहां पे लूंगा इक्वल्स टू जीरो माइनस माइनस प्लस एंड मल्टीप्लाई ओके 324। तो सिंपली हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं एक्स माइनस 9 एंड एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। तो एक वैल्यू हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 9 एंड एक्स इक्वल्स टू 36। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई, बट अब यहां पे ध्यान से देखेंगे ये क्या है स्टार्टिंग, हमारा रिक्वायर्ड आंसर तो ये है बट थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। बोला गया था कि उनके जो दो मतलब दोनों के मार्बल्स कितने कितने मिसिंग हुए थे 5 5, तो माइनस 5 किया 4 माइनस 5 किया इन दोनों का सम कितना आ रहा है 124। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल ही सही है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई है, तो आप यहां पे आंसर में लिख भी सकते हैं ठीक है कि लेट द नंबर ऑफ जॉन एक्स आ गई वैल्यू एक्स की क्या है 9 और 36। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे, दैट्स इट फाइन ओके। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले इसको रिवाइज करते हैं। फाइन सो सेकेंड पार्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कीमत है इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब 55 से वो नंबर हम माइनस कर देंगे जितने टॉयज दिन में बनते हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी हर एक टॉय की ओके। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सिंपल, हमने जो चीज फाइंड लेनी वही लिख लेनी है द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ
as proteins. On that day equals to x. ठीक है, number of trials जो है वो कितने हैं, x हैं उस दिन के. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम then the cost of each toy equals to, हर एक toy की cost क्या होगी, बोला गया है 55 minus जितना प्रोडक्शन उस दिन में हो रहा है टॉयज का उसको माइनस कर दो, यही क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी हर एक टॉय की. ठीक, अब बोला जा रहा है नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है इसमें, ठीक है तो क्या होता है द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन. अच्छा अब ये चीज बताओ कि अगर एक दिन में एक्स टॉय बनाए जाते हैं और हर एक टॉय के प्राइस ये है, ठीक है, तो मैं टोटल जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, x multiply by 55 minus x. उस दिन में जितने टॉय बने, ठीक है, उसको हर एक टॉय के प्राइस से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है लास्ट में कि ये जो प्रोडक्शन है, ये जो कॉस्ट है, ये किसके इक्वल है, 750 के. तो हमने यहां पे सिंपली क्या करना है, इसको लिख लेना है x 55 माइनस x इक्वल्स टू 750 और इसी को क्या कर देना है सॉल्व. सो ये क्या हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू है माइनस में आएगा 750 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहां से हम इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का पॉजिटिव 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0. अगेन हम क्या लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 55x एंड पॉजिटिव का 750 इक्वल्स टू 0. इतना आई होप आपको लास्ट क्वेश्चन में ही समझ में आ गया, कहानी यहीं पे होती है. हमने अगर ये कर लिया और यहां पे आ गए तो कहानी पूरी सॉल्व हो गई. तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है, फिर से हमें माइनस 55 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने पे 750 और ऐड करने पे 55. तो मैंने बोला इसको मैं ब्रेक करने के लिए क्या करता हूं, 25 और 30, 25 3 75, राइट. सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x, राइट, एंड पॉजिटिव 750 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे कुछ भी नहीं करना है, अगेन हमने x कॉमन ले लिया x और इस प्लेस पे हमारा माइनस 25, यहां पे हमने माइनस 30 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हमारी वैल्यू x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे भी हमारे पास x की क्या कितनी वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है. एक क्या वैल्यू होगी, x माइनस 25, x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 30. एक स्टेपनेस हो गया बीच में, वो यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0. इसको एक बार 0 के इक्वल एंड एक बार इसको 0 के इक्वल, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई x की, 30 और 25. ठीक है, तो यहां पे क्या करना है कि जो x की वैल्यू 25 आई तो एक बार यहां पे पुट किया, जब 25 होगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ईच टॉय की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज. ठीक है, और जब ये 30 होगा तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 25 रुपीज. क्लियर.
फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पहले जो जूनियर क्लासेस में 9th में 8th में जो हम करते आए थे कि ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन होता था, तो हमें क्या करना होता था, हम बेसिकली x एक नंबर ले लेते थे और एक नंबर y ले लेते थे, इनका सम हो गया 27 और इनका प्रोडक्ट हो गया 182. तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है. तो करना क्या है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो ये याद रखना है कि वेरिएबल कितने होंगे इसमें, सिर्फ वन वेरिएबल होगा. तो वन वेरिएबल के लिए क्या करना होगा, फिर हम लेट कर सकते हैं, लेट दी वन नंबर इज एक्स. तो भाई अगर एक एक्स है, ठीक है, तो देन अनदर नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 27 माइनस एक्स. अगर मैं 27 में से पहली नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें क्या होगा, दूसरी नंबर बहुत ही इजीली मिल जाएगी. अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है एंड प्रोडक्ट इज 182. अब इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट नंबर ये हुई और सेकंड नंबर ये, मींस x इनटू 27 माइनस x इक्वल्स टू कितना है प्रोडक्ट भाई, 182. तो इसे हमें सिंप्लीफाई कर लेना है. सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x को 27 के साथ 27x एंड ये वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182. सो इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे, तो यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, सॉरी पॉजिटिव 27x एंड नेगेटिव 182 इक्वल्स टू 0. माइनस कॉमन ले लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x पॉजिटिव 182 इक्वल्स टू 0. तो सिंपली यहां तक आई हो आपको बात समझ में आ गई. अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम स्प्लिट करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो इसको स्प्लिट करने के लिए जो 27 है, मींस हमारे पास कुछ ऐसी नंबर्स होनी चाहिए जिनका प्रोडक्ट 182 हो, और उनको अगर हम ऐड करें उन नंबर्स को, तो माइनस 27 आना चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x एंड पॉजिटिव 182 इक्वल्स टू 0. तो राइट, तो यहां पे हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन वैल्यू हमारे पास x और यहां पे x माइनस 13, राइट. और ये वैल्यू अगर हम माइनस यहां पे क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस 14 कॉमन लेंगे और ये वैल्यू होगी x माइनस 13, राइट. तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अभी तक जो करते हैं ये एक ब्रैकेट में एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 13. तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू जो x की है वो क्या होगी, 13, तब दूसरी वैल्यू जो है वो 14 होगी. अगर ये 14 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 13, ठीक है. तो ये डिपेंड करेगा कि फर्स्ट नंबर कौन सी है, ठीक है. तो 13 अगर है x, तो सेकंड क्या हो जाएगी, 14. ये कोई इसमें इशू नहीं है, बट हमारा आंसर क्या आएगा, ये, ठीक है. तो आई होप ये चीज आप समझ गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365. तो आपको भी पता है कंसेक्यूटिव नंबर क्या होती है. सपोज अगर एक नंबर 2 है, इसका कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3, मतलब 2 + 1, ठीक है. तो यही चीज हमें समझनी है. तो यहां पे हमारे पास कोई भी नंबर गिवन नहीं है, हमें खुद से अज्यूम करनी है. हमने क्या, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, लेट दी फर्स्ट नंबर इज
एक्स, राइट। सो अगर फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकेंड नंबर कॉन्सिक्यूटिव सेकेंड नंबर क्या होगी, एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोला जा रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, आपसे बोल रहे हैं कि जो आपकी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम और सम किसका, उनका स्क्वायर करके सम करना है, मींस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर आपका 365, ठीक है। तो सिंपली यहां पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर और ये हमारा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो होता क्या है ए स्क्वायर मींस एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या है वन, सो वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू और ए और बी वन, सो मल्टीप्लाई में वो कोई मतलब नहीं है 365। सो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टू एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये वैल्यू साइड आएगी माइनस 365 इक्वल्स टू जीरो, सो नाउ दिस इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये वैल्यू माइनस 364 इक्वल्स टू जीरो। अब आप माइंड लगा रहे हैं कि अब हमें फिर से मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है, बिल्कुल करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखोगे तो ये यहां पे भी टू है, यहां पे भी टू है, और ये एक ऐसी नंबर है जो टू से टोटली डिविजिबल है, तो क्या लिखेंगे, वी डिवाइड होल इक्वेशन बाय टू एंड वी गेट व्हाट वी गेट, वी सिंपली गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 182, हाँ जी दिस इज इक्वल्स टू जीरो। और कहीं ना कहीं ये यहां पे थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, बट ये नंबर कैसी है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो इक्वेशन आई थी यहां पे उसमें क्या था, नेगेटिव का 27 था और ये वैल्यू पॉजिटिव थी, मींस हमें इस वैल्यू को ब्रेक करना था और उनका एडिशन 27 होना चाहिए, बट यहां पे हमें इस सिंबल को ध्यान में रखना है, हमें इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनके बीच में जब हम सब्ट्रैक्शन करें तो हमें कितना मिले, ये अभी कंफ्यूजन नहीं करनी है, है ना, तो ये सब्ट्रैक्शन करने पे हमें कितना मिला चाहिए 1, तो ये चीज हमें समझनी है, तो हम वही नंबर्स लेंगे 13 और 14 क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 182 ही आएगा, तो हमें वही नंबर लेनी है। ध्यान से देखो अगर 14 माइनस 13 मैं करता हूं तो पॉजिटिव 1 मुझे मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x कॉमन x प्लस 14 एंड यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं माइनस 13, सो एक्स प्लस 14 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी, एक्स प्लस 14 पहले तो ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे इसके माइनस 13 दिस इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स इक्वल्स टू जस्ट अ मिनट माइनस सोच के वाली बात 14 माइनस 13 ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस 14 एंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी 13, ठीक है ये दो वैल्यूज है, तो अगर एक्स की वैल्यू क्या होती है 13 तो हमारी दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑफकोर्स ये बात है हम अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 14 हो जाएगी, एंड इन दैट केस अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस 14 लेके चलते हैं
ठीक है, तो भी हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, -30। ठीक, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है हमारा 365, इनका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 365। ये दो वैल्यूज क्यों है, क्योंकि यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो अगर आपसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए तो आप सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि 13, 14 ही होती है, नेगेटिव 13, नेगेटिव 14 भी दो ऐसी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 365 होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5, द एटीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू अदर साइड्स। मतलब यहां पे कुछ बात कर रहे हैं किसकी, एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल सपोज ए बी सी है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है वो कितना 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस से, बट ये भी नहीं बताया गया बेस कितना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज एक्स। अगर बेस क्या हो जाता है एक्स, तो बोला क्या गया है जो एल्टीट्यूड है मींस ये जो हाइट है वो कितनी होगी, 7 लेस देन इट्स बेस मींस एक्स माइनस 7। सो इट्स एल्टीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ये हमने लेट किया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें समझ में आ गई कि हमारे पास जो चीजें नहीं थी वो हमने लेट कर ली। अब बात करें क्या हमें गिवन में क्या मिला है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 सेंटीमीटर। तो ये कहानी थी राइट एंगल ट्राइंगल की। ये साइड जो है हमारी, ये जो हमारी साइड है ये कितनी है एक्स माइनस 7, और ये साइड कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड बोले या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एंड ये इक्वल होगा किसके, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप ये कहानी समझ में आ रही होगी। सिंपली बेस हमारा कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या वैल्यू क्या है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस मींस 13 का स्क्वायर, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस 49 माइनस 27 जा 14 एक्स, और इक्वल्स टू ये आपकी वैल्यू हो जाती है यहां पे। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस
49 प्लस के प्लेस में क्या लिख सकते हैं माइनस 14x, एंड ये वैल्यू आपकी हो जाएगी पॉजिटिव 49 एंड ये वैल्यू माइनस 169 इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे इसको सॉल्व करना है। अभी इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, मैं अगर इस पूरी क्वेश्चन को पहले तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखता हूं, यहां पे 2x स्क्वायर माइनस क्लियर है 14x एंड ये वैल्यू आपकी ध्यान से देखेंगे तो किसमें हो जाएगी माइनस में होगी, और माइनस की कितनी 9 से 9 और 41 20 इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, वी डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें क्या करना है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें x स्क्वायर माइनस 7x माइनस ये वैल्यू 60 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसे हमें क्या करना है फैक्टराइज कर लेना है और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली थोड़ा सा साइड में आके है ना यहां पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। माइनस 7x मींस यहां पे देखेंगे हमें 60 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट क्या हो उन नंबर, सॉरी 7x को कुछ ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं ना, तो इसको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले 60 मिले और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिले 7x। तो इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर और 12 5 60 मींस माइनस 12x प्लस 5x और ये माइनस का 60 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, सिंपली इसमें हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 12x, सो x कॉमन और यहां पे x माइनस 12, यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं पॉजिटिव का 5 और ब्रैकेट में x माइनस 12 दिस इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से x माइनस 12 x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दो फैक्टर हो जाएंगे और यही x की वैल्यूज हो जाएगी क्या x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू माइनस 5। तो आपको भी पता है कि कभी भी अब ये x क्या लेट किया था हमने भाई, यहां पे लेट किया ना हमने बेस, तो क्या कोई डिस्टेंस हम नेगेटिव में मेजर कर सकते हैं, तो भाई ये जो 5 वाला आंसर है ये तो गलत हो गया। क्लियर, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 12। ये बट बेस है, हमसे पूछा क्या गया था पॉइंट क्या करना है पॉइंट दी टू अदर साइड्स, मतलब ये तो क्लियर मेंशन थी 13 सेंटीमीटर बट ये x और ये बोला गया था उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस देन है, तो जो हमारे एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर है आप मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चन काफी बड़ा है इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पे। तो क्वेश्चन इज, और उससे पहले ये बता दें आपने अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है जो कि एग्जाम्पल वन करना था उसका सेकेंड पार्ट अगर आपने किया है तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। तो आपने अगर वो क्वेश्चन कर लिया है तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी कर लेंगे क्योंकि एकदम सेम है, डिजिट्स का फर्क है, कहानी बदली है। कहानी क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज 90 फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहला काम जो चीज हमें नहीं गिवन है वो लिखने की, जो चीज फाइंड करनी है वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे। सो हम लेट करेंगे, लेट दी
let the production of article in 1 day is x. तो हमने ये लेट कर लिया कि जो प्रोडक्शन है आर्टिकल की, पोएट्री जो आर्टिकल्स हैं वो कितने होते हैं एक दिन में, x नंबर ऑफ x जो है आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं. इट वॉज ऑब्जर्व वन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे. मतलब ये कि जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हर एक आर्टिकल की, वो क्या होगी. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द ईच डे. मींस कितने नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है x, उससे कितना ज्यादा, 3 मोर देन, ठीक है. तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, एक आर्टिकल का प्राइस है, समझना बात को. अब जो बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अब हमारे पास क्या है, एक दिन में हम कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें पता चल गया और हर एक आर्टिकल की प्राइस पता चल गई. तो क्वेश्चन में बोला क्या है, जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे, एक दिन में टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल और हर एक की कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स, है ना. इसको लिखने से पहले इसका आंसर यहां पे लिखा है जो 90 रुपीज, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी, एक्स 2x + 3 = 90. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमने क्या किया यहां पे, हमारे पास जो हर एक दिन, सॉरी, जो प्रोडक्शन थी आर्टिकल्स की एक दिन में वो कितनी थी x, और जो हर एक टॉय की, हर एक सॉरी पोल्ट्री की जो कीमत है, प्राइस है, वो कितना है, 2x + 3. तो हमने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक दिन में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे थे और हर एक आर्टिकल की प्राइस है और उसका टोटल कितना है 90. तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व. सो 2x² + 3x और ये वैल्यू इस साइड आके -90 = 0. ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम मिडिल टर्म के साथ स्प्लिट करेंगे. तो स्प्लिट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस टर्म को देखेंगे, ठीक है, 3x को हमें क्या करना होगा, ब्रेक. तो ब्रेक करने के लिए कुछ ऐसा कि ये जो टर्म है 90 × 20 मतलब कितना, 180, ऐसा नंबर हमें यहां पे लिखनी है, दो नंबर ऐसे लिखनी है जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे हमें 3x मिले, मल्टीप्लिकेशन करने पे 180 मिले. तो इसको खुद से आपको सोचना है कि कैसे करना है, ठीक है. इसके लिए कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं है और इसके चक्कर में पढ़ना भी मत, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप कोई आंसर कर पाओगे. अब जाहिर सी बात है कि किसका प्रोडक्ट कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं 10 से करता हूं, 18 से, सॉरी, ठीक है. तो यहां पे डिफरेंस अगर बात करेंगे तो कितना है 8, बट हमें चाहिए कितना 3, तो ये तो नहीं हो सकता. 11 की टेबल में 180 आएगा नहीं, 12 पे आएगा और कितने टाइम्स में, 15, डिफरेंस भी कितना है 3 का. तो मतलब बात यहां पे बन सकती है, हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, राइट. तो यहां पे अगर मैं 2x² कॉमन लेता हूं यहां से, ठीक है, तो x ही कॉमन मिलेगा और 2x + 15 इन ब्रैकेट, यहां पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें, माइनस कॉमन लेने पे
माइनस सिक्स कॉमन लेते हैं हम, जिससे हमें यहाँ पे 2x मिल जाए, 12x, और ये वैल्यू कितनी हमें मिलेगी यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये क्या हो गई, हमारे पास दो फैक्टर आ गए यहाँ पे, x माइनस सिक्स और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 2x प्लस 15, राइट, दिस इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में किया, यहां पे भी वही करेंगे। क्या x माइनस सिक्स का मतलब x इक्वल्स टू 6, एक तो वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू है 2x, तो यहां से अगर हम बात करें 2x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15 बाई 2, तो अगेन हम सेम सिचुएशन पे हैं, एक x की वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या हम नेगेटिव में कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हुआ 6। तो हमने एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए 6, और जो पर टॉय की कीमत, पर ट्री जो आर्टिकल है उसकी कीमत क्या होगी, ठीक है, 2 × 6 + 3 = 12 + 3 = 15 rupees। तो क्या 15 × 6 = 90 हो रहा है, मतलब हम एकदम सही है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे टोटल आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे थे वो कितने, उनका नंबर क्या है 6, और हर एक आर्टिकल की प्राइस क्या है 15 rupees। दैट्स इट, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, आई होप आप अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।